नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करछु बापी एबे देखिबा संपूर्ण खबर खबर आरंभ करबा गोटे बड़ खबर रु बिजू जनता दल रु वरिष्ठ नेता डॉक्टर दामोदर राउत बुधवार बहिष्कृत होइछंती। बीजेडी सुप्रीम मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आदेश क्रमे जगतसिंहपुर जिलार पारादीप विधायक दामो को बहिष्कृत करा जायथिबा जणा पडिछि। बीजू जनता दल संपादक विजय कुमार नायक एक प्रेस इस्तहार रे एहा जणाइछंती। मंत्री थिबा बेले निज तुंड को नियंत्रण रे रखि पारलेनि बोली पद चली जायथिला। एबे दल भितर रही सरकार और दल विरोध रे गणमाध्यम रे विषोदगार जोगु पूर्वतन मंत्री तथा वरिष्ठ बीजेडी नेता डॉक्टर दामोदर राउत को बहिष्कृत करा जायछि। दल विरोधी कार्य अभियोग रे बीजेडी मुख्य नवीन पटनायक तांको बहिष्कृत करिसेंति बोली चर्चा होउछि। पूर्वर विभिन्न समय रे जगतसिंहपुर जिला सभापति तथा पूर्वतन मंत्री विष्णु दास खोलाखोली डॉक्टर राउत को विरोध रे प्रतिक्रिया रखुथिले। एबे दलर तृणमूल स्तर विरोध में कार्यानुष्ठान सुप्रीम को ऊपर चाप बढ़िया लगता। गत काली जगतसिंहपुर जिलार किसी नेता नवीन पटनायक को भेट दामोदर विरोध में लिखित अभियोग करते कारण आम लंबा अभियोग धरई कार्यानुष्ठान दावी करते तेज सूचना योग्य जे गत किसी दिन हे दल और सरकार विरोधी बयान दे चर्चा रही है। दामोदर ओमफेड समवाय समिति स्वास्थ्य विभाग कलंकारी बोली अभियोग आनी गणमाध्यम सामने गर्जुले ठीक एम समय जिला बीजेडी सभापति विष्णु दास दामो को जेल गैंगस्टर टिटो सहित जोड़ते नवीन को देखा अभियोग जरिया टिटो लिंक रे गिरफ होता बापू परिडा सपक्ष में मंतव्य देते दामोदर पारादीप जुलम करती। तीर्तोल विधायिका डाक्टर राजश्री मल्लिकों द्वारा कांग्रेस 2000 मसीह बहु पुराणा कर्मी को पौर परिषद सभानीति करती। दलर राज्य सभापति विरुद्ध में कटु मंतव्य देवा भूलना केवल से नुहे लोकसभा सांसद कुलमणि दास को प्रभावित कर केवल से नुहे लोकसभा सांसद कुलमणि दास को प्रभावित कर जगतसिंहपुर और नाउगा अंचल कौन से कार्य सहयोग न कर प्रवताऊ। विधायक प्रशांत मुदिल जनाते निर्वाचन मात्र 4-5 मास दामोदर तक निर्वाचन मंडली बालिकुदा एरोसीमार दल विरोधी कार्य जारी रखिंट दल को दुर्बल करने उद्यम चली। कांग्रेस और बीजेपी सहित संपर्क रखी दलय कर्मी मन को दुर्बल करत काली एरोसीमार विप्लव दिवस करंग्रेस और बीजेपी नेता सामिल करते पूर्वतन विधायक ललाटेन्दु महापात्र बीजेपी राज्य कारिणी सभ्य रघुनाथ दास कांग्रेस नेता विप्लव चौधरी सुशांत कानून को प्रमुख एथिरे उपस्थित थे। तेबे डॉक्टर राउत उपस्थिति से माने बीजेडी सरकार को समालोचना करते हेले तांको सहित जोगाजोग कले नि बरम कांग्रेस और बीजेपी नेता गहन में सभा को आसी। बीजू जनता दल बुधवार बहिष्कृत होगापर वरिष्ठ नेता डॉक्टर दामोदर राउत मुह खोली प्रतिक्रिय राम कही बहिष्कार कारण मुझे जाणी ना मत मंत्रिमंडल भी विदा कर मत उपसभापति पदर विदा कर मो सह दल कौन नेता संपर्क नथिले मोर का विरोध में किसी कहवा ना बोली दामो कहते सार्वजनिक जीवन रे थिली और रही बोली से प्रतिक्रिया। बहिष्कार पर दामो आहुरी ताती बीजेडी वर्तमान स्थिति दलय परिचालन और नेतृत्व में दक्षता उपर प्रश्न उठाई निज भविष्य संपर्क में कहते मुझे जीवनी शेष पर्यंत विजु ना नहीं लोकों सह रही आसंता विधानसभा निर्वाचन भी लड़ी बीजेडी परिचालन नहीं असंत सुगाली कहते गोटे राजनैतिक दलर किसी लक्षण बीजेडी ना राजनैतिक दलर सेमती नियम कानून रहा कथा ए कि ना ना कार्यकारी कमिटी बैठक बसुची ना कर्मकर्ता निर्वाचन होती दलर परिचालन आद ठीक ना दाम पुणी प्रश्न करते बहिष्कार करने को नवीन पटनायक किए सी निजे जोर दे कहीपरेंगे कि से बीजेडी सभापति अच्छा दिल्ली में थी मत कौन बहिष्कार कर बिजू का नाँ दल हो बिजू क्यों लोक नवीन बाबू पाखे अच्छा तेज बहिष्कार खबर जमापड़ा पर दामों फरेस्ट पार्क स्थित सरकारी बासभवन गणमाध्यम प्रतिनिधि भिड़ जमीला से समय दाम कटक्रे कटक फेरला गणमाध्यम को कही एपर्यंत बहिष्कार आदेश पाईना गणमाध्यम कथा शुणी मत बहिष्कार आदेश मिलला प्रतिक्रिया देवी तेज मत मंत्रिमंडल बिना कारण विदा करसभापति पदर भी विदा करापर भी मुझे जा दलर सभापति को यार कारण पचारे गत किसी मस है मुझ दल अच्छी अनुभव करी आज बहिष्कार करी ताहाकु से माने ऑफिशियल करि देले मैथिरे विव्रत नहे विश्रंखला अभिजोग रे तांको उपरे होइपदा एरसमा विधायक प्रशांत मुसुपी मंकु भेटी फेरा धोइछन्ती मते बहिष्कार करले मोर किछि प्रतिक्रिया नाही एहिथि बेई नाही ना दीर्घ 8 मास हेलाणी मते बिना कारण रे मंत्रिमंडल रु बहिष्कार करछन्ती मते बिना कारण रे उपसभापति पद बहिष्कार कर मत बिना कारण दलय अब्जरभर मत बहिष्कृत कर 8 मास भितर दलर कौन से व्यक्ति सभापति मुख्यमंत्री कहीं मो सा कौन से कथबार्ता होना तेणु मु मने मन धरी नहीं बोधे विजु जनता दल ना डाक्टर दामोदर राउत जड़े दलित विरोधी लोक एवं शांतिपूर्ण भाव में पारादीप अंचल जो मैंने श्रमिक संगठन कर पारादीप अंचल जो मैंने व्यवसाय करपूर्ण भावे गुंडा बाहन मैंने जो जोर जुलम करपीप जो
टिटो लिंक रे बापू कोल्डा जो गिरफ होई एवं ता विरुद्ध रे से खुलम खुला मध्य गणमाध्यम रे प्रतिवाद करचंती जो पटना के लोकों को पाई ओडिशा पाई ओडिया जाति पाई आखि सामना रे सौ सौ हजार हजार कोटि टंका संपत्ति बर्बाद करिकरी से सब घर बिकिथले ओडिशार साधारण लोक कहले अरे ये लोकटा आमपाई आम ओडिया जाति पाई आम स्वार्थपाई स्वाभिमान पाई कोटिपतर कोटि बिकला तेणु लोक मन भितर से मुकुट विहीन सम्राट हो गला ता ना रे दल करिकरी काली जा घरे खाया को नथिला से आसे राति पाइला को कोटिपति आपको केते दिन सहब मत तो मंत्रिमंडल मो अजन बहिष्कार कर मत जो उपसभापति पद बहिष्कार कराई कौ जिलार अफजर थी से बहिष्कार कराई आ देहरे मुझे आसवा परवर्ती खबर को पोलसरा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में आशा साथी उर्मिला प्रधान नेतृत्व में समस्त पंचायत शहे चालीस जन आशाकर्मी मध्य एक जरूरकालीन बैठक अनुषित हो उक्त बैठक में सरकार पक्षर मिलता प्रोत्साहन राशि उपर आपत्ति अभियोग कर आशाकर्मी महिला विभिन्न प्रकार समस्या मध्यम आशाकर्मी कार्य तुलाउथिबा बेले गत एक आठ दुई हजार अठर तारीख ठार एक आठ दुई हजार अठर तारीख पर्यंत निजर मासिक पारिश्रमिक प्रोत्साहन राशि पाई एभली विभिन्न समस्या नहीं समस्त आशाकर्मी एकत्रित हो आगक सरकार कौन जनहितमूलक सचेतनता अभियान में कौन कार्य करेंगे ना बोली आपत्ति अभियोग कर एक स्मारक पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रवि नारायण दास को प्रदान कर आज बैठक में आम जो आशा भणी मानक आम बसिक एकत्रित जो करमर एक आठ दुई हजार अठर रु एक आठ दुई हजार अठर पर्यटन आम कौन पारितोषिक आम प्रोत्साहन राशि मिलना एणु आम अफिस् जो बंद अच्छी से अफिस् विषय में आम ये गेदरिंग कर लोक आंदोलन कर सियाड़ जहाँ रिप्लाई आसा जन कहते जीतको लेवल जहाँ हो पार मुझे चेस्टा करें दिन राति चौबीस घंटा कम रही है आशा मानक तथापि सरकार कहीं नजर पड़े से आम आज पर्यटन आश्चर्य आमर जो मूल्य मैंने लगुं दिन मजूरी मैंने से मानकर से रखीदेलाजे से मानकर सर्वनिम्न पारिश्रमिक दुईश पचास किंतु आशा मैंने बोधे ताठू भी निम्न तेणुकर बोधे आज पर्यंत आशा मान भद्रक बंत ब्लक समस्त पंचायत कृषक भाई मैंने मिसी बंत तहसिल आगे आंदोलन करते आंदोलन में राष्ट्रीय संयोजक अक्षय कुमार राज्य कार्यकारिणी सभ्य डॉक्टर कुलमणि जिला संयोजक त्रिलोचन पंडा भद्रक उपजेष्टा गगन चंद्र पागल अखिल भारत कृषक संगठन राज्य संपादक कार्तिक चंद्र भारती योगदान देते आंदोलन में मुख्य उद्देश्य था गत वर्ष बनार चाषी क्षतिग्रस्त बाबद को अर्थ आसा बेले किसी चाषी को अर्थ मिलता बेले अन्य चाषी को मिल ना वंचित कृषक चाषी क्षतिग्रस्त अर्थ पाई बेले तहसिलदार पाखे अभियोग करते किंतु तहसिलदार अर्थ देवे विलंब करते कृषक नेता अक्षय कुमार दावी था धानर सहायक मूल्य पांच हजार टंका और चाषी को सम्मान कृषि ऋण छाड़ ड्रेनेज व्यवस्था धान बिक्री समय कटिंग व्यवस्था उच्छेद चाषी को पेंशन व्यवस्था लागू करडिशनाल तहसिलदार और वीडियो उपस्थित में नवनिर्माण संगठन स्मारक पत्र प्रदान करते कृषक मान आत्महत्या को सरकार स्वीकार करूनांदन विषय नाई से बुलेट ट्रेन चलने कहते स्मार्ट सिटी पैसा खर्च करमिक पाने नाईशार पचास लक्ष पा चाष जमा को बाहर को पड़े आम खड़ी खाना सर्वप्रथम नमस्कार कर भद्रक मेडिकल कॉलेज दाबी आज जिलार विभिन्न सामाजिक संगठन मान एकत्रित तो भद्रक टाउन हॉल छक एक विराट शोभा जिलापा कार्यालय सम्मुखें पहुंची थे शताधिक सामाजिक कर्मी मैंने प्रथम जिलापा फाटक निकट में पहुंची से दाबी संपर्क में एक सभा कार्य कर सारे प्रत्येक संगठन दुईज लेखाएं एक प्रतिनिधि दल जिलापा कार्यालय परिसर को जा मेडिकल कॉलेज दाबीपत्र केन्द्र और राज्य सरकार उद्देश्य अतिरिक्त जिलापा प्रदान करते कार्यक्रम में अग्रणी संगठन मध्य शहीद भगवत सेना भद्रक सोशल सर्विस चिकित्सक संघ हेलेड हैंड उत्कलमणि गोपबंधु ट्रस्ट और जीवन ज्योति जोग देते बरगढ़ जिला पद्मपुर अंचल महाविद्यालय परिसर में तालुक आईन सेवा समिति आनुकूल्य
ଆଜିକାଲି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଏକ ଆଇନ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା ସମିତି ପଦ୍ମପୁରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଏଡିଜେ ଶରତ କୁମାର ଦେହୁରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶିବିରରେ ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୌଲତ ଚନ୍ଦ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ପଲ୍ଲବୀ ରଣା ସାହୁ, ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଶାନ୍ତନୁ ତ୍ରିପାଠୀ, ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଜିତ କୁମାର ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଓ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଶିବିରରେ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ବିଶେଷ କରି ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କାରଣରୁ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହେଉଥିବାରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏଇଟା ବର୍ଷ ଯାକର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫିକ୍ସ ହେଇଥାଏ ଆଗରୁ, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇ ମାସରେ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ଉପରେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଆଜି ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ୟୁଜୁଆଲି ଆମର ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ର ଭିକ୍ଟିମ୍ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକତରଫା ପ୍ରେମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ କରବାର, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଣେ ତାର ମାନେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଦେବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଲ କୋର୍ଟରେ ଏବଂ ବିଚାର ସଂହିତାରେ ତାର ଉପରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ରାଶି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛ, ଲୋକେ କେନ୍ତା କରି ଇତାର ଉପରେ ସଚେତନ ହେବେ, ଇତାର ଲାଗି କାଣା ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ଏବଂ ଯଦି କେନ୍ସି ପୀଡ଼ିତା ଅଛନ୍ ସେ କେନ୍ତା କରି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ସହାବସ୍ଥାନ ହେଇପାରବା, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରବା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜି କଲେଜରେ କରାହେଇଥିଲା। ଭାରତରେ ବହୁତ ନାରୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଯେନ୍ ହଉଛେ, ସେ ନିର୍ଯାତନା ରୋକବାର୍ ଲାଗି ଭାରତ ସରକାର ବହୁତ କିଛି ଆଇନ କରିଛନ୍। ସେ ଆଇନକେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକରି ଭିକ୍ଟିମ୍ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଝିଅର ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ତାର ଉପରେ ଯଦି ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍କା ହଉଛେ ବୋଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିକରି ଆଣାଖି ଦେଖିକରି ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିକରି ଆମେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଏଇଟା ଉଚିତ ନିଶେ। ତାକେ ଆମେ ନିଜର ହିସାବରେ କେନ୍ତା କରି ତାକେ ହେଲ୍ପ କରିପାରମା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ତାହାକୁ ଉଠେଇକରି ନେଇ କେନ୍ସି ବି ଜାଗା ଗୋଟେ ନ ରଖମା, ତାପରେ ପୋଲିସକେ ଇନଫର୍ମ କରମା, ପୂର୍ବରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିମ୍ବା ଜଡ଼ା ତେଲ ତାର ଫେସ୍ ଉପରେ ଢାଲିମା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନୋହରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟଣା, ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରର କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଜଗା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ 3 ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଘଟଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜଗା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୁକୁଣୀ ଖାଇସାରି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କ ସହ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଘର କାନ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାବେଳେ ତାହା ଗତକାଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ପୁଅ ବବୁଲ ମୁଣ୍ଡା ଓ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୀତା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅ ହେମ ମୁଣ୍ଡା ଅଳ୍ପକେ ଭର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଘଟଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଗତ ରାତିରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁ ଶୋଇଥିଲେ, ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଗୀତା ମୁଣ୍ଡା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ମୁଣ୍ଡା। ସେ ଦୁଇଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାର ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ମୁଣ୍ଡା ଆଉ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘଟଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ଜନଶୁଣାଣି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭିତରଗଡ଼ ଗ୍ରାମଠାରେ 52 ଏକର ଜମିରେ 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦର କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନଶୁଣାଣି ସଭା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ପାରାଦୀପ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହ୍ନୁ ଚରଣ, ଧୀର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଭାତ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସଭା ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ସାଂସଦ କୁଳମଣି ସାମଲ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଜନଶୁଣାଣି ସଭାରେ ପାରାଦୀପ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଲୋକ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେଇ ପାରାଦୀପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
रायगढ़ भारतीय जनता पार्टी तरफ आज जिला मुख्य चिकित्सा परिसर में गणधारणा दिया धारणार मूल उद्देश्य था 36 डाक्तर बदल में 20 रोचान 83 स्टाफ नर्स बदल में 8 जन काम कर लैब टेक्नीशियन 12 बदल में 8 जन और एनएम 53 बदल में 29 जन रही अन्यपक्ष काशीपुर ब्लक 13 जन डाक्तर बदल में रही 5 जन और विशेषज्ञ डाक्तर अभाव जिले में रोगी सेवा पाइबार वंचित हो पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश विशाखापाटनम और जिले में किसी औषध दोकानी यह सुजोगर फायदा उठाई निज दोकान पड़ोसी राज्य डाक्तर को डक मोटा रकम रोगी मुनाफा पाइबार लगी समस्त समस्या को नहीं आज भारतीय जनता पार्टी गणधारणा देवा सहित राज्य सरकार बसपूर्वर यह विषय जिलापा एक पत्र विनिमय अवगत करते वर्तमान आज 15 गोटी दाबी रखी आज जिलापा जरिए स्वास्थ्य सचिव निकट को स्मारक पत्र प्रदान कर अनुगुल जिला सातकोशिया अभयारण्य हाथीबारी गांवर महिला को गोड़ाए गोड़ाए हत्या कला अनुगुल सातकोशियार बाघुणी सुंदरी सन्देह सत्य है मनीष मारी खाई एवं बाघुणी सुंदरी नहीं जीवन बढ़ी एने भय अनुगुल टिकरपड़ा हाथीबारी गांवर कैलाश गड़ना गाँमुंड पोखरी को गाधि जाता बेले टाणी नहीं सुंदरी उत्तेजित लोके फॉरेस्ट बीट को भांगी आगर सन्देह करमित किसी घटव किंतु वन विभाग रोकठोक मना कर एमती किसी हे ना आगर सातकोशिया प्रजासंघ बारंबार जिला प्रशासन और वन विभाग को लिखित अभियोग जनई बुझी नथिले फलर एक सुनिश्चित दुर्घटना घटी सुंदरगढ़ जिला बणाई थाना अंतर्गत नरेन्द्र छक निकट एक कला रंगर कार धक्का देवर साइकिल आरोहर मृत्यु होती घटना प्रकाश जे कटुरीधुआ ग्रामर बधु नरेन्द्र ने थिबा कोऑपरेटिव बैंक को निज साइकिल जोगे कौन से काम आसते और कम सारी दिन प्राय 4:30 मिनिट रे नरेन्द्र निज गांव को जाता बेले विपरीत दिग्वर आसुवा एक कार गाड़ी धक्का देता यह देखिए स्थानीय लोक चिकित्सा बणाई डाक्तखाना को नेता बेले अधा बाटे मृत्यु घटी तेब एने बणाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची एक मामला रुजुक घटनार अधिक तदंत कर जमापड़ी सुंदरगढ़ जिला लहुणीपड़ा थाना अंतर्गत राजामुंडा बाइपास निकट तारिणी मंदिर सम्मुख में एक अजा गाड़ी धक्कर जनकर मृत्यु होती घटना प्रकाश दे गमलई ग्रामर सनातन नायकों पुओ टुलू नायक एक निज हीरोहुंडा गाड़ी में दिन 4 समय राजामुंडार निज ग्राम गमलई को जाता समय तारिणी मंदिर निकट में एक अजा गाड़ी धक्का देता फल घटनास्थल में मृत्यु घटी दुर्घटन मृत्युवरण कर टुलू नायक रेल विभाग जन कर्मचारी जमापड़ी तेब नहीं लहुणीपड़ा पुलिस घटनास्थल में पहुंची घटना तदंत कर जमापड़ी ओडिशा प्राइम बुलेटिन समय गोटे ब्रेक रेक पर जारी रही अन्यान खबर।